हेलो फ्रेंड्स, राज श्यामा खन्ना रसोई में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए एक फिर से नई रेसिपी लेके आई हूँ। आज मैं आप लोगों के सामने अपर स्टैंड में कढ़ी बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इसके लिए मैंने ये एक कटोरी बेसन लिया है। ये कढ़ी मैं अपर स्टैंड में बनाऊँगी। एक कटोरी बेसन लिया है। अब मैं इस बेसन को थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका मैं एक घोल तैयार करूंगी। अच्छे से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं इसको घोलूंगी। इसका एक बैटर तैयार करूंगी, पतला सा बैटर तैयार करूंगी। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा खाने वाला सोडा डालूंगी। थोड़ा सा खाने वाला सोडा डालूंगी, एक पिंच खाने वाला सोडा डालूंगी और थोड़ा सा नमक डालूंगी और थोड़ा सा मैं हींग पाउडर डालूंगी। और एक पिंच हल्दी पाउडर डालूंगी। ये घोल बना के मैंने रख दिया है। अब मैं इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ूंगी, फिर मैं आगे इसकी रेसिपी शेयर करूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने बेसन रेस्ट के लिए छोड़ा था। मेरा बेसन बिल्कुल रेडी हो गया। अब मैं अपने स्टैंड में कढ़ी की पकौड़ी बनाने जा रही हूँ। ये देखिए, इसके लिए मैंने गैस पर गैस ऑन करी है। मैंने गैस पर अपना स्टैंड चढ़ा दिया है। अब मैं इसमें ब्रश की हेल्प से बस थोड़ा थोड़ा तेल लगाऊंगी। दो चार बूंद तेल की मैं इसमें भी डाल दूंगी, इससे हमारी पकौड़ी बहुत सॉफ्ट बनेगी। ये देखिए, मैंने बिल्कुल जब थोड़ा थोड़ा सा पूरे स्टैंड में ऑयल लगा दिया है। अब मैं इसमें बैटर डालने जा रही हूँ, कढ़ी बनाने के लिए पकौड़ी का बैटर डालने जा रही हूँ। देखिए मेरा बैटर कितना फ्लफी बना है। उसके लिए आपको ना गाढ़ा ना पतला ऐसा बैटर बनाना है। देखिए, थोड़ा थोड़ा बैटर मैंने सारे अपने स्टैंड में पूरे अपने स्टैंड में सेट कर दिया है। अब मैं इसको ढककर मीडियम लो गैस पर थोड़ी देर सेक लूंगी। अब मैं इसको ढककर पकने के लिए मीडियम गैस पर थोड़ी देर के लिए रख दूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे अपने स्टैंड में कढ़ी की पकौड़ी मेरी बन गई है। अब मैं कढ़ी ठोकने जा रही हूँ।
ये देखिए कितनी सॉफ्ट बनी है पकौड़ियाँ मेरी, अंदर तक सिक गई हैं। ये देखिए अब मैं इसकी कढ़ी बनाने जा रही हूँ। इसके लिए मैंने आधा चम्मच तेल डाला है पैन में, आधा चम्मच पैन में तेल डाला है। अब मैं इसमें जरा सी हींग ऐड करूंगी। हींग ऐड करने के बाद मैं इसमें आधा चम्मच मेथी दाना डालूंगी। आधा चम्मच सरसों पाउडर, सरसों के दाने डालूंगी। दो ये लाल मिर्ची मैंने ली हैं और आधा चम्मच मैं इसमें जीरा डालूंगी। इनको मैं अच्छी तरह मीडियम गैस पर भून लूंगी। आधा चम्मच भूनने के बाद मैं अब इसके अंदर दही में बेसन का घोल लूंगी। इसके अंदर मैं पानी ऐड करके इसके अंदर मैं पानी डालूंगी। पानी डालने के बाद मैं अब इसके अंदर थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालूंगी और स्वाद के अनुसार मैं इसके अंदर थोड़ा सा नमक डालूंगी। और ये कढ़ी मैं दही से बना रही हूँ। आप इसके लिए बटर मिल्क पाउडर भी यूज कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा घोल तैयार हो गया है। अब मैं इसको छौंक में डालने जा रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, अब मैं इसको डाल दी, मैं कढ़ी बनाने के लिए जो घोल तैयार किया था उसको मैंने चौक में डाल दिया है। जब इसके अंदर एक उबाल आ जाएगा तो मैं इसके अंदर पकौड़ियाँ जो मैंने अपर स्टैंड में बनाई हैं वो मैं डाल दूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी कढ़ी बन के तैयार हो गई है। अभी मैं इसको बाउल में सर्व करने जा रही हूँ। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। राज श्यामा खन्ना रसोई में आपका वेलकम है। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। प्रणाम की। वीडियो में आ गया।